अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर शाइना चैनल। आज मैं मसाला वाला बैंगन बनाने वाली हूँ। हाय फ्रेंड्स, जिसकी ज़रूरत की चीज़ है, आधा किलो बैंगन मैंने छोटे छोटे पीसेस करके काट कर पानी में रख लिया है। नमक स्वाद अनुसार, 5 से 6 टेबलस्पून तेल, करी पत्ता, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टेबलस्पून राई। अब एक पैन ले ले, उसमें तेल डाल ले। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम करी पत्ता, 1 टेबलस्पून राई, 1 टेबलस्पून जीरा, इन तीनों को ऐड करके अच्छे से आधी मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे तेल में। आधी मिनट तक फ्राई करने के बाद अब इसमें जो बैंगन मैंने काट कर रखा है वो बैंगन ऐड करूंगी। बैंगन को ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस काटना है। इसको ऐड करने के बाद अब इसको तेल में अच्छे से मिक्स करूंगी। पहले तेल में अच्छे से मिक्स करना है इसको, तभी जो मसाले हम ऐड करेंगे वो मसाला बैंगन को अच्छे से मिक्स होगा बैंगन में। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है बैंगन को तेल में। अब इसमें मैं लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी। अब हल्दी पाउडर ऐड करूंगी। अब धनिया पाउडर ऐड करूंगी। नमक स्वाद अनुसार ऐड करूंगी। अब इन सारी चीजों को अच्छे से 2-3 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सारा मसाला बैंगन में अच्छे से लग जाए, इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको मैं इसके लिड से बंद कर लो फ्लेम में 5 मिनट तक इसको पका लूंगी। देखिए, हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको लिड बंद कर 5 मिनट तक इसको पका लेंगे लो फ्लेम में। 5 मिनट के बाद ये देखिए, हमारा बैंगन अच्छे से नरम पड़ गया है और अच्छे से मसाला भी मिक्स हो गया है, पक गया है। इसे अच्छे से मिक्स करें। मिक्स कर इसको गरम गरम चपाती या रोटी के साथ सर्व करें। इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है चपाती और रोटी के साथ। आप इसको ज़रूर ट्राई करना और मेरे को कमेंट ज़रूर करना। Thank you for watching my video. See you in next video. Till then, take care. Allah Hafiz.